इस्लामिक फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। तो अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन एक, तो मैं जरा उसी आवाज में बात नहीं करूँ क्योंकि घर वाले जो है बहुत सारे सोए, तो मुझे पता नहीं कौन सी चुल है कि मैंने ब्लॉक करना है। और मुझे पता नहीं क्यों मैं चैनल अभी अपना बंद करके बैठना नहीं चाह रहा। मुझे पता नहीं शौक है या क्या मसला है कि ये जो चैनल है तो मैं ब्लॉक बनाए जा रहा हूँ, हालांकि आप देख भी नहीं रहे, कसमें नहीं देख रहे, मजाक से रहा हूँ। जो कहते हैं ना मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ वो भी नहीं देख रहा, क्योंकि अगर मेरे चैनल में 5 व्यूज भी आते ना, उसका एवरेज टाइम 2 मिनट से भी कम होता है। इसका मतलब है कि कोई भी जो मेरा ब्लॉग है वो नहीं देख रहा। लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों है कि मैंने ब्लॉग बनाना है, मेहनत करनी है और डालना है। देखते हैं कब तक ये शौक जो है मेरा ये सिर चढ़ के बोलता रहेगा और मैं ये काम करता रहूंगा। तो फिलहाल आज का ब्लॉग जो है वो करते हैं स्टार्ट। जो भी होगा आज के दिन वो आपको सारा दिखाएंगे और देखेंगे कैसा ब्लॉग बनता है कैसा नहीं बनता। फिलहाल अभी जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी मोटो ब्लॉग पे, तो वो पड़ा है सामने हेलमेट। तो ये हेलमेट है जो कि मैंने मोटो ब्लॉग के लिए लिया था, जो कि काफी बड़ी मेरे इन्वेस्टमेंट थी जो कि मैंने अभी तक की है। तो 7,000 का तकरीबन ये हेलमेट है मैंने लिया, 9,000 का ऑनलाइन ये मिल रहा है और ये 2,000 का तो यही था जो हमने माउंट लिया इसका मोबाइल का, और साथ में ये हैंड फ्री। तो इसको हुआ क्या है, इसका माउंट जो है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इस तरह लटक रहा है जो कि बिल्कुल खराब है। अभी मसला ये है कि ये मैंने जो टेप थी उसके साथ यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे चिपकाया हुआ था, तो ये उतर के यहाँ पे लटक रहा है। तो इसे आज ठीक करेंगे और सही तरह से लगाएंगे, मैं कोशिश करूंगा। वैसे मेरा हेलमेट जो है कितना ज्यादा गंदा हो गया अंदर से भी यहाँ से भी, ये जब से स्कूल को ट्रिप किया ना तब ये गंदा हुआ सारा अच्छी तरह से, क्योंकि वहां पे सड़कों में जो थी ना गर्द बहुत ज्यादा थी। तो आज करेंगे सेट माइक को दोबारा, और इस जगह पे मैं सेट करना चाह रहा हूँ, तो करके देखते हैं सेट होता कि नहीं होता, फिर आपको भी दिखाते हैं क्या रिजल्ट निकलता है आवाज का। अभी माइक जो है वो यहाँ पे फिट कर दिया और वायर यहाँ से इस तरफ से निकाल दिया, यहाँ से घुमा के इस तरफ से निकाल दिया। तो अभी इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करते हैं कि कैसी आती है, अगर ठीक आगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से माइक निकालना पड़ेगा। अभी चेक करते हैं। जी अभी मोबाइल जो है वो मैंने अटैच कर दिया माइक के साथ, तो अब बताइएगा कि आवाज कैसी आ रही है। वैसे मैं खुद ही जगल हुआ, वैसे अभी इसका वाइजर बंद करके देखता हूँ कि आवाज कैसी आती है। अगर तो आवाज ठीक आ रही होगी तो फिर तो हो गया यस, अगर आवाज खराब हुई तो फिर इसका कोई और जो है वो सोचना पड़ेगा। तो अभी मैं चेक कर लूँ कि आवाज कैसी आ रही है। अभी जो इसकी आवाज है ना तो काफी ज्यादा ठीक है, आपने भी सुन ली होगी। बाकी आवाज जो है वो बाइक पे पता चलेगी कि कितनी नॉइज आ रही है और कितना जो है शोर आ रहा है और आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही, तो वो तो बाइक पे ही पता चलेगा। फिलहाल इस सेटअप को यहीं पे सेट करते हैं और ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला कि आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही। तो अभी फिलहाल इसे यहीं पे रख देते हैं और ये कूड़ा यहाँ पे पड़ा है ये भी उठा लेते हैं। इस रूम की लाइट तो बंद करना मैं भूल ही गया, तो इसकी लाइट बंद कर देते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी बज चुके हैं 3, तो अभी तकरीबन मैं उठा हूँ थोड़ी देर पहले, तो मेरे बाल भी आप देख सकते हैं किस तरह से बिखरे पड़े हैं। तो अभी फिलहाल नहा के कपड़े वगैरह भी चेंज करते हैं और फ्रेश होते हैं अच्छी तरह से, तो कपड़े पहनते हैं। यार कौन से कपड़े पहनो मुझे समझ नहीं आ रही, पैंट शर्ट पहनो कि सलवार कमीज पहनो, पैंट शर्ट पहनो सलवार कमीज पहनो, सलवार कमीज जो है हेयर इस्त्री करनी पड़ेगी तो पैंट शर्ट ही पहनेंगे। कौन सी है यहाँ पे ब्लैक, ये कौन सी शर्ट है, नहीं इसके साथ हम पहनेंगे ये वाली शर्ट। चलिए फिर आपको नहा के मिलते हैं। तो गाइस मैंने नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, तो आज मैं अपने रूम में आया हूँ, तो मैंने आज पहले मतलब ये चीज देखी है तो आपको भी दिखाता हूँ। ये चेक करे जाला आपको पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत बड़ा जाला है यहाँ पे लगा हुआ, ये तक ये यहाँ तक जाला लगा हुआ है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, काफी सारा जाला लगा हुआ। तो मैंने आज देखा यहाँ पे, ये देखो ये मकड़ा और मकड़े तो जाला क्यों बनाया, चेक करे मोबाइल मेरा फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा, स्पाइडरमैन तो नहीं चुरा है मेरा दिल का चैन। ओहो, तो अभी इसकी ना जो इलाज है वो करते हैं और इसे साफ करते हैं। अभी झाड़ू किधर है, झाड़ू इधर है, नहीं इधर नहीं पड़ा है, झाड़ू किधर है, झाड़ू किधर ये पड़ा है झाड़ू, इससे करते हैं उसका इलाज। रुक यार तू एक दफा तू रुक जा, दौड़ी ना इतने रह, हम तुरा इतने रह। स्पाइडरमैन किधर गया, स्पाइडरमैन मर गया, ओ स्पाइडरमैन मर गया। चलो ज्यादा जरा ला देने सारा, बहुत ज्यादा ज्यादा हुआ है यहाँ पे, और तो नहीं गई है, ये देखो यहाँ पे भी है, ये भी ज्यादा उतार देते हैं यहाँ से, इतना ज्यादा ज्यादा कहाँ से आ गया है, और कहीं पे है, और कहाँ पे, हाँ और कहीं नहीं, और रख देते हैं इसे। अभी बताते जाके ये चूजों का जो है दाना वो लेके आया, तो दाना का वो खत्म हो गया था, तो अभी उनको दाना डालते हैं, तो फिर अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, अफ्तारी करेंगे, अभी फिलहाल उन्हें दाना डाल देते हैं। इसके काम चेक करना, ये देखना ना गुस्सा कितना करता है, ये आजा 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 तेन फाड़ लिया, तेन फाड़ लेना, मैं तेन दसवां छड़ना नहीं, हाँ देख
वैसे ना मैंने जो बात करने से वो बता रहा था कि मुझे ना वो जो आखिरी है ये वाली जो मुझे मुर्गी लग रही है, तो ये सबसे अलग रहती है। आप देख सकते हैं सारे दुपेटे खा रहे हैं, वो अलग फिर रही है वहाँ पर। तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, तो ऐसा लग रहा है कि वो मुर्गी है और ये मुर्गे हैं। इनमें कोई मुर्गी होगी तो पता नहीं, ये हो सकती है, लेकिन बाकी सारे मुर्गे लग रहे हैं, वो लग रही है मुझे, शक है। बाकी तो जब बड़े होंगे तब पता लगेगा मुर्गी थी कि मुर्गा था। भाई मैं छत में आऊँ, ये पतंग हो रहा है, काफी ज्यादा प्यारा है। तो मेरा फेवरेट पतंग है, दो अखी से कहते थे हम, तो बड़ा प्यारा है, कलर भी बड़ा प्यारा, रेड कलर ऊपर वो छापर वाला जो मोमी लिफाफे का आता है वो हो रहा है, और दो तीन इधर हो रहे हैं, वो पतंग कटा आ रहा है मोमी लिफाफे का, लेकिन हमारे यहाँ इधर आएगा नहीं वैसे। हाँ इधर नहीं आएगा। ओ पतंग पतंग ओ पतंग, डोर किधर है? मेरे पास तो नहीं है, कहाँ है? मतलब पतंग है तेरी छत, और तेरी छत दे यार, आओ दे। चला गया, पकड़ लिया किसी ने। अभी मैं नीचे आ गया क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो गया, तो चिकन बिरयानी बनानी है। खुशबू हो गई है, क्या पर रहा है यार, आज तो कमाल हो गया, आज तो अफ्तारी छा गई है, छा गई। आज बन रहा है जी चिकन रोस्ट, और क्या खुशबू आ रही है। मेरे मुंह में पानी आ गया, रोजे का टाइम है, अफ्तारी का टाइम है, इससे पहले कि मैं ये खा लूं तो मैं चिकन भी जो है वो बनानी स्टार्ट करता हूं। सुहा किधर है? सुहा बर्फ तोड़ते हैं। इसे थोड़ा सा तो लेते हैं, अब डालते हैं इसे शिकंजवी में। ठंडी तो शिकंजवी जो तैयार हो चुकी है, तो अफ्तारी में सिर्फ 15 मिनट रह गए, तो अफ्तार करते हैं। रोजा से अफ्तारी करके तो नींद बड़ी प्यारी आ गई, तो मैं सो गया था, तो मेरी आँख खुली है। जब नमाज का टाइम हो गया तो फिर मैं नमाज पढ़ने चला गया, तरावीह पढ़ के आगे फिर मैं दोस्त के साथ बाहर चला गया घूमने फिरने के लिए। तो दोस्त के साथ मैंने ब्लॉग किया नहीं, क्योंकि दोस्त जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता ब्लॉग के साथ, तो इसलिए मैंने ब्लॉग किया नहीं है। अभी आया हूँ, कल कमरे में आ गया हूँ, तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए इतना ही।